अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन ले लिया है हमने, इसमें घी ऐड किया है। मैंने अपनी लास्ट डिश में आपको दिखाया था कि मैं कोफ्ते बनाकर फ्रीज़ कर रही थी, फ्रोज़न कर रही थी। तो यहाँ हमने एक पैन में अंडे बॉयल कर लिए हैं। हम बना रहे हैं आज कोफ्ते अंडे। तो कोफ्ते बनाकर मैंने जो रखे थे, मैंने चिकन माइंस ले लिया था, उसमें मैंने एक प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट और जो खुश्क धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया जो साबुत है हमने भून कर रखा है वो डाला था, और थोड़ा सा हमने चाट मसाला डालकर हमने कोफ्ते बनाकर फ्रीज़ कर दिए थे। अब यहाँ मैंने लहसुन अदरक टमाटर लेकर फ्राई कर लिया है, फिर उसका मसाला बनाया है और कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं। अब कोफ्तों में वो सब ऐड करके हम मसाले ऐड कर रहे हैं, जिसमें है हल्दी, खुश्क धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्च। ये चारों मसाले डालकर हम इसको अच्छे से भून लेंगे, मसाले को फुल कुक होने तक कोफ्तों के साथ ही। कोफ्ते में इसलिए मसाला भून रहे हैं कि मसाले में कोफ्तों का फ्लेवर और कोफ्तों में मसाले का फ्लेवर आ जाए जी। तो इसको अच्छे से भूनने तक हम बनाएंगे। यहाँ पे हमारे कोफ्ते अंडे ऑलमोस्ट डन थे, अंडे बॉयल हो गए थे, तो मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें छील कर। तो गार्निश करके सर्व करें, बहुत अच्छे बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।